नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेन नाइन न्यूज़। मैं राशिद अली। जहां देश में आजकल ऐसे गंभीर मुद्दे उठ रहे हैं, देश का माहौल बदल रहा है जो अब से आप कुछ सालों पहले आपने नहीं देखा होगा, शायद दो चार सालों में आपको कुछ ज्यादा दिख रहा है, और जो वारदातें हो रही हैं वो भी आपको दो चार सालों में ज्यादा सुनने में आ रही है। लेकिन आखिर इसके पीछे का कारण क्या है, क्या है आखिर इसके पीछे का कारण, कौन साजिशें रच रहा है जहां देश में आजकल इतनी गंभीर घटनाएं हो रही हैं, इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटनाएं घट रही हैं। कहीं ना कहीं मानवता इससे शर्मसार हो रही है कि देश, जहां एक तरफ चांद पर जाने की बात की जाती है तो वहीं पता चलता है कि सोच चांद पर नहीं बल्कि और गड्ढे में जा रही है, तो वहीं एक ऐसा ही संकट आन पड़ा है। आपको बता दें, लोग आजकल जातियों में उलझे पड़े हैं, लोग आजकल धर्म में उलझे पड़े हैं, राजनीतिक पार्टियां इसका फायदा उठा रही हैं, लोगों को बेवकूफ बना रही हैं, बरगला रही हैं, धर्म के आधार पर लड़वा रही हैं, जातियों के आधार पर लड़वा रही हैं, तो वहीं ऐसे लोग जो ये नहीं समझते और वो आपस में लड़ने लग जाते हैं। ना जाने व्हाट्सएप सोशल मीडिया के थ्रू जो उन पर जानकारी आती है वो उन्हीं जानकारियों को फॉरवर्ड कर देते हैं बतौर ये सहमति जताने के, ये साबित करने के, ये जानने की कोशिश करे बिना कि आखिर ये जो मैं सेंड कर रहा हूं इसमें कितनी प्रतिशत सच्चाई है या ये महज अफवाह है। एक ऐसा ही मामला आजकल ऐसा उठ रहा है जो जाति के आधार पर नहीं, जो धर्म के आधार पर नहीं, केवल इंसानियत के आधार पर है। आजकल लोग एक मुसीबत में घिरे हुए हैं, एक संकट में घिरे हुए हैं जो कि एक जल संकट है, जो किसी एक जाति का नहीं है, किसी एक धर्म का नहीं है, जो किसी एक दलित जाति का नहीं है, केवल हिंदू मुस्लिम धर्म का नहीं है, वो सभी धर्म सभी जाति के लोग उस संकट से गुजर रहे हैं। क्या आपको पता है, क्या आप ऐसी समस्या जानने के बाद क्या आप धर्म के आधार पर लड़ना चाहेंगे, क्या आप जाति के आधार पर लड़ना चाहेंगे, या आप इन नेताओं से पूछेंगे कि आखिर जब आप विकास की बातें करते हैं, शौचालय बनाने की बातें करते हैं, सबका साथ सबका विकास देने की बात करते हैं, तो ऐसे भी दिन हैं आज के दौर में जहां पर लोग पानी के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं। और ये केवल एक राज्य की बात नहीं है, मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, आगरा, महाराष्ट्र के गांव इलाके, इन राज्यों में जल संकट गहराया हुआ है और लोग हैं जो आजकल धर्म के मुद्दे पर लड़ रहे हैं। वहां लोग पानी के लिए ना जाने कैसे कैसे संघर्ष कर रहे हैं, सड़कों पर उतर रहे हैं, जितने गांव के लोग हैं सड़कों पर आ रहे हैं, लोग रस्सी बांधकर कुएं में उतर रहे हैं, पाइपलाइन जो बिछी है उस पाइपलाइन में हफ्तों से पानी नहीं आ रहा है, लोग गड्ढे खोद खोद कर गंदे पानी से अपना गुजारा कर रहे हैं। ऐसी मानवता को, इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। क्या आप उसके बाद भी आप समझते हैं क्या हिंदू मुस्लिम सही उठाना है? हमको आज बुनियादी समस्याओं से लड़ना चाहिए या फिर इन नेताओं के बरगलाने वाले बयानों से लड़ना चाहिए, आप खुद तय कीजिए। आप 21वीं सदी में जीते हैं, क्या आप ऐसी अपनी सोच रूढ़िवादी रखते हैं, क्या आपको ऐसी इंसानियत के लड़ना चाहिए, इंसानियत के लिए लड़ना चाहिए, उन मासूमों की या जो वो उन्हें मदद नहीं मिल रही है उनको मदद पहुंचाने के लिए लड़ना चाहिए, या फिर ऐसी अफवाहों के लिए लड़ना चाहिए? किसी पीड़िता के लिए अन्याय होता है, आप कठुआ केस के लिए, उस परी के लिए इंसाफ मांगते हैं, सड़कों पर उतरते हैं, वहीं दूसरी घटना गुजरती है जो एक 13 साल की बच्ची से होती है, लड़की से होती है, उसके लिए भी, बल्कि दो अलग अलग समुदाय के लिए है, लेकिन इंसानियत है और आंखों में शर्म है, जो कि अपराध को केवल अपराधी की नजर से, अपराधी को केवल अपराध की नजरों से देखा जाता है और तभी लोग उठते हैं और सड़कों पर न्याय की मांग करते हैं। लेकिन ऐसे में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो इनका फायदा उठाते हैं और वो इस अपराधों को राजनीतिक रंग देने का तूल करते हैं, रंग देने की बात करते हैं, रंग देने के लिए राजनीतिक षड्यंत्र रचते हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूं सबसे पहले आगरा का वो दृश्य जहां पर लोग पानी के लिए मारामारी कर रहे हैं, किस तरह लोग पानी के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं, और आप अपनी आंखों से देखिए और खुद सोचिए कि क्या धर्म जाति के मुद्दे जो हम आजकल लेके चल रहे हैं, हिंदू मुस्लिम के आजकल मुद्दे लेके चल रहे हैं, क्या वो इन मुद्दों से ज्यादा जरूरी है? देखिए रिपोर्ट में।
पहले नहर का पानी नहीं आया तो हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे, चुनाव का भी बहिष्कार करेंगे। देखा आपने कि किस तरह से वहां पर लोग पानी नहीं तो वोट नहीं के नारे आखिर इतना परेशान हो गए। मैं आपको लेके चलता हूँ मध्य प्रदेश में, जहां पर भी जल संकट गहराया हुआ है। देखिए खास रिपोर्ट। सरकार और मंत्री नेता कोई आसू नहीं रहा, झूठे वादे और कोरे कागजों से आज तक किसान और मजदूर अपना अपना विश्वास लिए बैठा रहा, लेकिन आज जब साहस टूट रहा है, मरने की कगार पर है, तब हम सब इकट्ठे होकर के कलेक्टर महोदय की अपनी आवाज अपनी भूख की प्यास को लेकर के आए और कलेक्टर साहब ने हमसे मिला और 28 तारीख को उन्होंने कहा कि हम बरगी बांध के समस्त अधिकारी और आप किसान मजदूर हम स्वयं बैठ कर आपस में चर्चा करेंगे, 28 के बाद जो भी जैसा फैसला होगा वो ऐसा हम आगे निर्णय लेंगे। अब आपको दिखाते हैं राजस्थान की वो तस्वीर जहां पर हफ्ते में सिर्फ एक बार पानी आता था और चोरों की बदौलत लोग उससे भी गए। चोरों ने पाइपलाइन तोड़कर जो लोहे के एंगल होते हैं उन्हें उखाड़ लिया है, जिससे पाइपलाइन बर्बाद हो गई है और लोग एक देखिए आप रिपोर्ट कि आखिर एक बच्ची किस तरह से गड्ढे से पानी भर रही है। देखिए रिपोर्ट। भाई क्या इन सबको देखकर आपको लगता है कि सबका साथ सबका विकास हो रहा है? क्या आपको लगता है कि सच में विकास हो रहा है? शहर में विकास हो रहा है क्या? गांवों में विकास हो रहा है? आपको जो जो तस्वीर दिखाई क्या आपको उससे जरा भी है कि सरकार कितना काम कर रही है? और हम लड़ते हैं हिंदू मुसलमान के बीच, हम लड़ते हैं जाति आधारों के बीच, कितना वो सही है? जब ऐसी समस्या जूझ रही है, जब जिसकी जरूरत सभी को है, तो आखिर ऐसे समय में सब मिलकर साथ आना चाहिए और कहीं ना कहीं ऐसी मुसीबतों के लिए खड़े होने चाहिए, ना कि अपनी सोच को संकुचित करके बरगलाना चाहिए। आखिर ऐसा टाइम है जो इन मुद्दों को उठाकर सभी को एकजुट होकर सरकार को जवाब देना चाहिए और पूछना चाहिए कि कहां विकास हुआ है
और आप किस आधार पर कहते हैं कि विकास हो रहा है, जब लोग इस तरह सड़कों पर उतर रहे हैं, लोग इस तरह सड़कों पर अपने दिल की बात कह रहे हैं, परेशानी दिखा रहे हैं और लोग मजबूर हैं हर काम करने को, हर काम आखिर वो कैसे करें, लोग मजबूर हैं सरकार पर उंगली उठाने को कि आखिर आपने क्या किया है। तो आपको भी जरूरत है कि ऐसे मुद्दों पर ना उठें जो मुद्दे बांटे, बल्कि ऐसे मुद्दे पर उठें जो सबकी जरूरत है, जिसमें कोई धर्म कोई जाति नहीं दिखती, पानी सभी को चाहिए और सभी आखिर मिलकर सबको लड़ना चाहिए और सबको आवाज उठानी चाहिए और पूछना चाहिए कि आखिर विकास हो रहा है तो कहाँ हो रहा है। और आप हमारी बात से सहमत हैं तो हमें जरूर कॉल कीजिएगा हमारी स्क्रीन पर दिए नंबर से, या फिर कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय दीजिएगा और बताइएगा कि आखिर कितना सही है कितना गलत। दीजिए इजाजत, नमस्कार।